हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बीएमसी मशीन में जो मिलिंग प्रोग्राम होता है वो कैसे बनाया जाता है, और आज का जो मिलिंग प्रोग्राम है वो कुछ अलग डिफरेंट टाइप का है, और इसमें हम कुछ रेडियस बनाएंगे IJ का उपयोग करते हुए। और इसमें हम सीखेंगे कि IJ से हम रेडियस कैसे बनाते हैं, और रेडियस बनाने के लिए IJ का उपयोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, और उस कैसे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बिना देर करते हुए आज के वीडियो में, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी टाइप की वीडियो मैं लेकर के आप लोगों के बीच हमेशा उपस्थित हो सकूं। इससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। वाइट बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं ये हमने एक ड्राइंग है, जिसको हमें ये इस टाइप का कोई शेप बनाना है। जो हमारा रॉ मटेरियल है वो 50x50 का हमारा स्क्वायर टाइप का कोई रॉ मटेरियल है, ये सॉलिड है। और इसको हम जान लेते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो क्या है। तो रॉ मटेरियल हमारा जो है उसी इस टाइप का है, 50x50x20 का, यानी कि 50 mm लंबा है, 50 mm चौड़ा है, और इसकी जो मोटाई है वो 20 mm की है। ठीक है, कुछ इस टाइप का प्लेट है, और ये जो प्लेट है ये आपका MS का प्लेट है, और MS के प्लेट पे हमें इस टाइप का कुछ शेप बनाना है। अब इस टाइप का शेप बनाने के लिए आपको ये ड्राइंग में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, इसको हमें समझना में क्या है। ये हमने जो भी प्लेट ले रखी है, मान लीजिए ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसको हम अपने फिक्सर पे लगा रहे हैं। फिक्सर पे लगाने के बाद हम अब इसका जो जॉब कोऑर्डिनेट है, जो वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर है, हम इसके कॉर्नर पे बना रहे हैं। इसका वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर हम कहीं भी बना सकते हैं जहां हमें सूटेबल लगे। हम यहां भी बना सकते हैं, 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 या फिर हम सेंटर में भी बना सकते हैं। और जॉब कोऑर्डिनेट सेंटर हम कैसे बनाते हैं अलग अलग शेप के लिए, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंफॉर्मेशन भरा वीडियो है, जिसको ऑलरेडी मैंने बहुत पहले अपलोड कर लिया है, और उस वीडियो को लोगों ने पसंद भी बहुत अच्छा किया। तो अगर आपको वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर BMC मशीन पर हम कैसे बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के लिए, तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो इस टाइप का जो रॉ मटेरियल है, इसका वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर हम यहाँ बना रहे हैं, और जो जॉब कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं, ये जॉब कोऑर्डिनेट है, हमने इस पॉइंट को A मान रखा है, इस पॉइंट को B मान रखा है, इस पॉइंट को C, ये D, उसके बाद हम E, F और G, H, इतने हम जॉब कोऑर्डिनेट निकाल रखा है। अब हमें बनाना क्या है, तो अब जैसे कि देख पा रहे हैं हमें जो टोटल डेप्थ, यानी कि 3 mm के डेप्थ, यानी ये जो शेप बनानी है ये स्क्वायर बनाना है, और ये स्क्वायर बनाना है, और ये इस टाइप का कुछ शेप बनाना है, इसको इस प्लेट में आपको बनाना है, और 3 mm जिसकी डेप्थ होगी 3 mm। अब 3 mm की डेप्थ होगी तो उसके लिए आपको जॉब कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और अपने ड्राइंग को समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस सेंटर से जो हमारी एक्स और वाई लाइन है, ये हमारा कुछ एक्सिस मूवमेंट है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने क्या है ये लिया है। अब इस लाइन से, एक्स लाइन से, इस ये जो आपका शेप बन रहा है 5 mm ऊपर, और इस लाइन से 5 mm इस साइड बन रहा है। उसी तरीके से अगर हम इस शेप की बात करें, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 25 mm है। ठीक है, यानी कि ये हाफ हाफ सेंटर में बांट दिया, तो ये 25 mm है, ये 25 mm है, 25 mm। अब 25 mm का कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका ये सेंटर बनेगा, उसी तरीके से यहाँ से 25 mm का हमें ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये सेंटर से इस
इस लाइन से ये जो 5 mm इधर है, 5 mm इधर है और 5 mm, यानी कि चार हमारे भाग बढ़ जा रहे हैं। चारों भाग में एक भाग में, फर्स्ट भाग में हमारा क्या है, इस लाइन से 5 mm इधर और इस लाइन से 5 mm इधर और इस लाइन से 5 mm और इस लाइन से 5 mm में, यानी चारों तरफ से हमें छोड़ के ये 15 mm के स्क्वायर हमें बनाना है, यानी 15 mm डायमेंशन का स्क्वायर हमें बनाना है। उसी तरीके से ये भी है, 15 mm का ही हमें, यानी कि 15 mm लेंथ में ही हमें स्क्वायर बनाना है और जो साइड से हमें 5-5 mm का मटेरियल को छोड़ना है, यहाँ भी 5 mm ही है, ठीक है, 5-5 mm छोड़ना है। उसी तरीके से कुछ इस टाइप का हम शेप बनाने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये है और इस टाइप का शेप बनाना है। तो ये भी इसका है, जो हाफ अगर हम इस पूरे क्वाड्रेंट को हाफ में बांट दिए तो इस लाइन से यहाँ पे 5 mm और इस सेंटर लाइन से इस यहाँ से 5 mm, यानी कि 5 mm का मटेरियल काटना है। और उसी तरीके से ये सारी चीज़ आप 5-5 mm देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें कट करनी है। अगर आप इसको मिलाते हो तो ये भी क्या है, 5 mm है, यहाँ भी 5 mm है। तो अब हमें क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो कटर का पाथ होगा, वो कटर का पाथ हम किस तरीके से चलाएंगे ताकि हमारा जो मटेरियल है, जो हमें अनवांटेड मटेरियल है, वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए और 3 mm के मटेरियल में हम उसको काट सकें। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टूल को यहाँ पे प्लंज कराएंगे और यहाँ पे कट देंगे, कितना, 3 mm में डेप्थ में कट देंगे। और 3 mm में कट करते हुए ये हम चारों तरफ यानी इस पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाएंगे, बी पॉइंट से फिर सी पॉइंट पे ले जाएंगे, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे ले जाएंगे और डी पॉइंट से फिर हम ए पॉइंट पे लेके आएंगे। तो हमारा ये जो mm है, यानी कि 5 mm का जो मटेरियल है, ये चारों तरफ से कट जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये सारे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, फिर ये वाला रिमूव करना है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला मटेरियल को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अपने टूल को यहाँ पे पोजीशन कराएंगे, इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे हम करा करके फिर इसको सीधा चलाएंगे यहाँ तक और फिर हम क्या करेंगे, इसको वहीं से वापस लेके फिर इधर और ये कट करा देंगे, जिसको हम प्रोग्राम में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए हम अपने जॉब कोऑर्डिनेट के बारे में समझते हैं। एक हमारा कोऑर्डिनेट निकला 0, 0, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी, एक्स और वाई की जो वैल्यू वर्क कोऑर्डिनेट होगा वो 0, 0 होगा। उसी तरीके से बी का हम देखें तो बी पे क्या है, एक्स हमारा, ये एक्स क्या है, सीधा यहाँ से कहीं इधर उधर कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है, यानी एक्स कितना होगा, 0, 0 होगा अगर इस पॉइंट की हम बात करें। और वाई कितनी होगी, ये सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ है तो वाई प्लस में होगी 50 mm, ये वाली कितनी है, 50 mm है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 और 50 होगा, एक्स 0 होगा और वाई 50 होगा। उसी तरीके से सी का अगर हम निकालते हैं इसका, तो सी क्या होगा, इस सेंटर पॉइंट से देखिए ये क्या है, ये क्या है, 50, तो एक्स क्या हो गया, 50, एक्स 50 हो गया। उसी तरीके से अगर हम वाई का देखें तो वाई भी क्या है, 50 है, तो वो क्या हो गया, 50 और 50, यानी एक्स 50 mm और वाई 50 mm। उसी तरीके से अगर हम डी का देखें तो डी में क्या है, हमारा वाई क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई इधर और इधर कोई पॉइंट, कोई भी पोजीशन नहीं ले रहा, सिर्फ एक्स में पोजीशन ले रहा है, तो सिर्फ एक्स में पोजीशन ले रहा है। इस वजह से हमारा डी का पॉइंट होगा एक्स में 50, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 50 mm है, तो एक्स 50 और वाई हमारा 0, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, अपना ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और ई हमारा यहाँ क्या है, इस पे है, तो ई का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा 50 है, तो ये हमारा क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई, यहाँ तक की वो कितनी हो गई, ट्वेंटी फाइव एम एम। तो आपका एक्स में कितना हुआ, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स कितना है, 50 है, तो ई में इसी वजह से ये 50 mm हो गया। और वाई में हमारा कितना निकला, वाई में देख पा रहे हैं 25 mm, तो वही आपका क्या हो गया, वाई में प्लस में 25 है। उसी तरीके से हम एफ में निकालेंगे इस पॉइंट का, तो यहाँ पे एफ क्या है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक्स में क्या हो गया, 0, 0 हो गया
और वाई में क्या हो गया आपका 25 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम जी का निकालेंगे, जब जी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स यानी इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से ये जो लाइन जा रही है वो एक्स में कितनी है, 25 है, ठीक है। और उसी तरीके से हम अगर वाई का निकालें तो इस लाइन से ये जो है आपका ये कितना है, 50 mm है। तो ये क्या हो गया, 50 mm हो गया, यानी कि जी का कोऑर्डिनेट 25 और 50 हो गया, एक्स में 25 और वाई में 50 हो गया। और एच की हम बात करें तो एच का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि 25 हो गया और वाई आपका 0 हो गया। अब हमें क्या है, इसी वर्क कोऑर्डिनेट का उपयोग करके हमें अपने टूल पाथ को चलाना है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर हमने इस कॉर्नर पे बना रखा है, तो सारे जो टूल पाथ हैं यानी कि आप देख पा रहे हैं ये और इस कोऑर्डिनेट में हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ यहाँ और यहाँ पे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा सारे कोऑर्डिनेट है वो सारे कोऑर्डिनेट प्लस में ही आ रहे हैं, यानी सिर्फ हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही क्वाड्रेंट में ही काम कर रहे हैं, ये सारे हम काम इसी में कर रहे हैं। इसी वजह से एक्स और वाई की जो वैल्यू है हमारी वो पॉजिटिव में है। अगर हम दोनों में वर्क करते, इसको कहीं कहीं अगर सेंटर में हम इसका वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाते तब आपका जो वैल्यू आता है एक्स और वाई का वो कहीं माइनस में कहीं प्लस में आता है, इस तरीके से। तो ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात जानना ये है कि जो हम टूल का यूज़ करेंगे वो कौन से टूल का यूज़ करेंगे, यानी कि ये हमें मिलिंग करना है और 3 mm के डेप्थ में मिलिंग करना है, तो किस टाइप के टूल का यूज़ करेंगे और जो डायमीटर है वो टूल का डायमीटर हम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे हम जो टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें डेप्थ में भी काटना है और ये जो है ये मटेरियल ये आपका इस टाइप का शेप बन रहा है, तो इसकी जो हाइट होगी यानी इसकी जो दीवारें होंगी वहाँ भी आपको मटेरियल से क्या है, फिनिशिंग चाहिए। तो इसके लिए आपका इस टाइप के टूल का यूज़ करोगे जहाँ पर आपका यहाँ भी कटिंग एज हो और यहाँ भी कटिंग एज हो, ताकि आप जब भी कटिंग करोगे तो इस एज से भी कटिंग करेगा और इस एज से कटिंग भी करेगा, तब जा करके आपका ये मटेरियल यानी कि फेसिंग भी सही होगी और साइड भी मिलिंग सही होगी, यानी साइड भी सही बनेगा और फेस भी सही बनेगा। तो इस टाइप के लिए हम एंड मिल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम एंड मिल का यूज़ कर रहे हैं और एंड मिल जो होगा वो 10 mm का हमने लिया है। और 10 mm का क्यों लिया है, 10 mm का हमने इस वजह से लिया है कि मान लीजिए हमें क्या है, ये मटेरियल 5 mm का इस सेंटर लाइन से 5 mm इधर भी छोड़ना है, 5 mm इधर भी छोड़ना है, तो हमारा जो टूल है वो 10 mm का है। तो 10 mm का हम टूल यूज़ कर रहे हैं एंड मिल, ये जो डायमीटर है 10 mm का है। तो जब भी हमारा टूल पोजीशन लेता है वो एक सेंटर लाइन को पोजीशन लेता है, जो सेंटर लाइन को पोजीशन लेता है, तो जब भी हम एक्स 0.0 देंगे और वाई 0.0 डालेंगे तो टूल हमारा इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से सेंटर लेगा, यानी कि ऐसे लेगा 5 mm इधर और 5 mm इधर, यानी कि जो मटेरियल काटेगा ये 5 mm इधर मटेरियल काटेगा और 5 mm अगर इधर मटेरियल होता तो इधर भी काटता। तो इस सेंटर लाइन से हम लीनियर में चला देंगे तो एक सिर्फ 5 mm मटेरियल इधर काटेगा, क्योंकि ये जो हमारा टूल होता है बिल्कुल सेंटर पे पोजीशन लेकर के, यानी 5 mm इधर और 5 mm इधर सेंटर लेकर के तब जा करके चलता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग के को जानना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि मैं अपने अक्सर जो जब भी मैं मिलिंग का प्रोग्राम बनाता हूँ तो उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को कवर करता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको प्रोग्राम बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे अगर हम फानुक का कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ओ से कोई प्रोग्राम नंबर लेते हैं, तो ओ हमने 500 ले लिया। ये सेफ्टी कोड है GAT यानी कि कैनॉट साइकिल कैंसिलेशन का। ये हमारा जो फीड होगा वो mm पर मिनट में होगा और G21 हमारा mm यानी जो भी रीडिंग लेगा वो mm में लेगा। G17 हमारा प्लेन सिलेक्शन है x और y का और G49 हमने लिया है जो भी हमने पहले ऑफसेट ले रखा है टूल लेंथ ऑफसेट उसको कैंसिल कर देगा। उसी तरीके से हमने जेड एक्सिस को सबसे पहले रेफरेंस कराना है, उसके बाद हम x और y को हम रेफरेंस कराएंगे, उसके बाद हम कोई भी एक टूल सेलेक्ट करेंगे हमने, के बाद हम देंगे G0 G90 यानी कि हमारा जहाँ भी
मशिंडल जहाँ भी होगा वो G0 में यानी रैपिड मोशन में, और G90 का मतलब एब्सोल्यूट प्रोग्राम, यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब जहाँ पे हमने वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना रखा है वहाँ से फिर एक्स में और वाई में रीड करेगा। अगर एक्स 0.0 है, वाई 0.0 हमने ले रखा है, और जेड 50.0, तो टूल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट है वो एक्स 0.0 और वाई 0.0 है, और जेड हमारा क्या है यहाँ पे हमने दे रखा है 50 mm। तो टूल क्या होगा, इस सरफेस से यानी कि पार्ट के फेस से 50 mm ऊपर डिस्टेंस पर हमारा आके पोजीशन ले लेगा इस तरीके से, यानी इस तरीके से ऊपर पोजीशन लेगा अगर ये हमारा पार्ट है तो। अब 50 mm इस वजह से लेगा क्योंकि जब भी हम इसका वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाए हैं उसके बाद जब हम जेड का एक्सिस का टूल लेंथ ऑफसेट लिए हैं तो इस पॉइंट पे जा करके हम टच करा करके वहीं पे जा करके मेज़र कराया है, इस वजह से इस जो सरफेस है उसके सरफेस के टॉप पॉइंट पर ही हमारा जेड एक्सिस क्या होता है जेड 0.0 हो जाता है। तो जेड अगर प्लस में रहेगा तो उस सरफेस से ऊपर ही जितना होगा जितना भी वैल्यू डालेंगे वहीं पे हमारा उतना ऊपर टूल जा करके इस तरीके से पोजीशन लेगा। तो यहाँ पे हमने 50 mm डाल रखा है, तो 50 mm लिया तो 50 mm ऊपर ही हमारा टूल आके यहाँ पे पोजीशन लेगा। अब यहाँ पे क्या है, G0 G43 ये टूल ऑफसेट सेटिंग का है, उसके बाद हमने जो ऑफसेट नंबर ले रखा है वो 1 नंबर लिया है और ये हमने 30 mm दे दिया। उसके बाद क्या है, ये पूरा ब्लॉक पढ़ने के बाद हमारा स्पिंडल स्टार्ट हो जाएगा, 5000 का RPM ले लेगा और एम क्लॉकवाइज में घूमेगा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा डाउन होगा 20 mm, यानी यहाँ 50 था उसके बाद 20 mm डाउन होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें कितना काटना था मटेरियल, 3 mm काटना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, G01 में अभी नहीं, हम G0 में ही Z0.0 ले लेंगे और उसके बाद क्या होगा रैपिड में, यहाँ आप 1 mm थोड़ा सा सेफ ले लीजिए या 0.5, यहाँ G01 0.5 यानी कि उस सरफेस से पार्ट से 0.5 mm हम नीचे ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, उसके ऊपर ले आएंगे। और उसके बाद हम क्या है G01 में यानी लीनियर में हम Z-3.0, उसके बाद F हमने दे दिया 200 का एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये कमांड रीड करते ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूल प्लंज कर जाएगा और 3 mm के डेप्थ हमारे कटिंग कर देगा। अब इस पे मान लीजिए कटिंग कर दिया, अब हमें क्या ले जाना है, यहाँ पे पूरा ये क्या हो जाएगा, ये टच करने के बाद टूल हमारा इस तरीके से पोजीशन ले लेगा, इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा कटर है, ये पोजीशन ले लेगा और इसको हम फिर इधर ले जाएंगे कहाँ ले जाएंगे, बी चारों तरफ से देख पा रहे हैं, 5 mm हमें चारों तरफ से काटना है, तो चारों तरफ से हम 5 mm काटने के लिए सब यहाँ पोजीशन लिया एक पे, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया 0.0 हो गया, तो हमने यहाँ पे 0.0 जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कोऑर्डिनेट है वो ए का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हम बी का कोऑर्डिनेट देंगे, तो यहाँ पे हम G01 और एक्स, बी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स 0.0 और वाई 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक। आप चाहें तो यहाँ भी फीड दे सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आपका प्रीवियस वाला जो भी फीड होगा वो कैलकुलेट करेगा। टूल क्या है आपका, फिर से यहाँ पे से चलते हुए यहाँ पे कटिंग करेगा, यहाँ पे इस तरीके से पहुँच जाएगा, इस तरीके से पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर इस तरीके से ये काट देगा, यानी कि ये मटेरियल काटते हुए, ये पूरा ये मटेरियल काटते हुए इतना जो है या ऐसे टूल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये सारे मटेरियल काट दिया, ये मटेरियल काट दिया, ये काट दिया, काटने के बाद आपको फिर सी पे ले जाना है, उसके लिए सी का कोऑर्डिनेट क्या है G01 एक्स, और सी का कोऑर्डिनेट देंगे एक्स 50.0 वाई 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसी तरीके से हम फिर डी पे लेके आएंगे, तो G01 एक्स और डी का हमारा जो कोऑर्डिनेट है एक्स 50.0 और वाई 0.0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से ए पे लेके आएंगे, तो हम क्या देंगे G01 एक्स 0.0 वाई 0.0, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे सिर्फ एक बार हमने दे दिया तो इसको हम हटा सकते हैं,
हम G01 नहीं भी देते हैं तो टूल हमारा क्या हो जाएगा, वो मशीन क्या है, G01 ही रीड करेगी, क्योंकि हमने उसके बाद कोई अलग और जी कोड का यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से जो प्रीवियस में हमारा जी कोड दिया होगा वही जी कोड रीड करेगा, ठीक है। तो अब हमें हमारा एक बार क्या हो गया, ये पूरा पाथ कंप्लीट हो गया, यानी कि ये ऐसे क्या हो गया, ये इस तरीके से कोई हमारा पार्ट बन गया, स्टेप बन गया। अब ऐसा कोई मटेरियल था, ये पूरे मटेरियल आपका कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, चारों तरफ से मटेरियल कट गया। अब आपका बचा क्या, ये वाला स्टेप बचा, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला इसमें आपको काटना है, अब इसमें आपको ऐसे बनाना है। तो अब देखिए, अब क्या है, ये वाला हमें ये 10 mm का, 5 mm इधर, 5 mm इधर, 5 mm इधर छोड़ना और 5 mm इधर छोड़ना है। तो इस सेंटर पॉइंट यानी कि 25 का आपको लेके जाना है। इसके लिए हमने क्या कोऑर्डिनेट निकाला था, एच निकाला था, ठीक है। तो आप एच ले, हम क्या है, इस पॉइंट से थोड़ा सा टूल को हम जब यहाँ पे लेके आए हैं तो टूल को फिर हम उठाएंगे। अब हम मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, फिर नेक्स्ट हम जो देंगे वो G0 और Z में हम क्या है 5 mm उठा लेंगे, 5.0 लेंगे और 5 mm हमने उठा लिया टूल को, 5 mm उठा लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पोजीशन करा सकते हैं, यहाँ पोजीशन करा सकते हैं, यहाँ कहीं भी हमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक काटना है, फिर यहाँ से यहाँ तक काटना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ का पोजीशन हम देते हैं H का, तो G00X उसके बाद हमने क्या पोजीशन दिया, हमें H का पोजीशन देना है, X में 25.0 और Y 0.0। इस तरीके से टूल हमारा यहाँ पे 5 mm ऊपर ही उठ के यहाँ पर पोजीशन ले लेगा। फिर हम G01 में इसको डाउन करेंगे Z-3.0 एंड अप ब्लॉक, तो टूल हमारा मटेरियल काटना शुरू कर देगा। काट के फिर हम एच जी पे ले जाएंगे, तो G01 और जी का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ वाला जी वाला वो है 25x50, यानी कि एक्स में 25.0 और वाई में 50.0 एंड अप ब्लॉक। और यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे फीड दे लीजिए, फीड क्या है 200 का हम फीड यहाँ दे दीजिए, ठीक है, यहाँ भी आप फीड दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जी पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अब यहीं से हम क्या करेंगे, फिर ये रेडियस जो आप देख रहे हैं 20 mm का रेडियस है, इस रेडियस को यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हम बनाएंगे। अब यहाँ से शुरू करके ये रेडियस हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो हमारा टूल मान लीजिए यहाँ पे है, इस तरीके से हमारा टूल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो यहीं से हमें क्या है रेडियस बनाना है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आई जे का यूज़ करके रेडियस बनाऊंगा, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो रेडियस है ये 20 mm का है, हमारा जो टूल का जो सेंटर बन रहा है वो कितना, ये 20 mm हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 mm, तो 20 और 5 कितना हो गया 25 mm, यानी कि टूल को हमें जो आई देना पड़ेगा, आई में वो देना पड़ेगा 25 mm, ठीक है। अब क्यों 25 mm देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये कैच पोजीशन कुछ ऐसे, यानी टूल जो चलेगा कुछ ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और टूल हमारा क्या है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा इस क्लॉक वाइज, जो रेडियस बनाना है इस तरीके से क्लॉक वाइज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, G03 का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं G03 का यूज़ करेंगे, और इसका E वाला कोऑर्डिनेट देंगे, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट देंगे, क्योंकि इस वाले यानी कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें रेडियस बनाना है, ये रेडियस बनाना है, तो E वाला कोऑर्डिनेट देंगे। तो E वाला कोऑर्डिनेट क्या है, E वाला देखिए कोऑर्डिनेट है आपका X में 50.0 और Y में 25.0। उसके बाद I हम कितना देंगे, आई देखिए आई क्या होता है, इसको आप लोग समझिए कि हमारा टूल यहाँ पे है, अब हमें रेडियस यहाँ से ये सेंटर मान के बनाना है, यानी ये सेंटर मान के बनाना है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आई होगा, ये
पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि जहाँ हमें सेंटर, अगर इस साइड से सेंटर ले रहे हैं तो आई क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी जहाँ से शुरू कर रहे हैं उसके राइट हैंड अगर हम सेंटर बना के रेडियस बना रहे हैं तो आई क्या होगा, प्लस में होगा। अगर हम इधर लेकर के यहाँ से, अगर हम यहाँ पे हैं और इधर सेंटर लेके बनाना है, इधर ऐसे बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, आई निगेटिव में होगा और ये आई पॉजिटिव में होगा, हम इधर लेके सेंटर बना रहे हैं। ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो आई यहाँ पे क्या देंगे, हम पॉजिटिव देंगे, तो कितना हो जाएगा 25.0। अब 25 कैसे होगा, 20 ये और 5 ये, और उसके बाद हम जे भी देंगे, जे कितना देंगे, ये वाली वैल्यू, ये 25 है और ये 20 ये कितना हो गया, ये भी क्या हो गया, जे भी 25.0 हो गया। अब जे क्या है, माइनस में होगा प्लस में होगा, ये चीज़, ये भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो रेडियस है यहाँ से शुरू किया ये, और ये क्या हो जाएगा, इधर रेडियस बन रहा है, यानी ये सेंटर बन रहा है, इधर बन रहा है। अगर इधर बनता है तो जे जो होता है हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, ये चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अगर हमारा यही कहीं ऐसे बनता, यानी कि मान लीजिए ये सेंटर मान के हम इस तरीके से अगर बनाते, अगर नीचे कहीं बनता, इस सेंटर नीचे बनता, तो वहाँ पर जे हम माइनस लेते। तो अब क्या हो गया, हमारा टूल यहाँ से रेडियस बनाते हुए, कटिंग करते हुए, ये कटिंग करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब हमें क्या करना है, इसको लीनियर में यहाँ तक लेके आना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, Z01, उसके बाद हम E से ये वाला जो पॉइंट है, F वाला हम पॉइंट देंगे। तो F में हमारा क्या हो जाएगा, F का कोऑर्डिनेट क्या है, X 0.0, Y 25.0, और F हम दे दिए 200 का एंड ऑफ ब्लॉक। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये वाला रेडियस हमारा कंप्लीट हो गया, और ये सारे मटेरियल कट गया, ये सारे मटेरियल कट गया, ये भी 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 कट गया, ये सारे मटेरियल कट गया और ये सारे मटेरियल कट गया। अब बचा क्या, हमारा ये वाला रेडियस बनाना रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब हमारा टूल यहाँ पे पोजीशन ले रखा है, तो यहीं से ये स्टार्ट पॉइंट लेकर के यहाँ तक हम जाएंगे और इसको रेडियस को बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, हम टूल को जो रेडियस बनाने वाले हैं वो टूल को क्लॉकवाइज में घुमा के रेडियस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे Z02 का यूज़ करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस बनाना है। तो ये जो जी वाला है पॉइंट, आपको जी वाला पॉइंट देना पड़ेगा। तो एक्स जी का क्या है, 25.0, और वाई में 50.0, और फीड हमने दे दिया 200 का एंड ऑफ ब्लॉक। और नहीं सॉरी, हमें यह क्या है, फिर यहाँ पे आई और जे देना है। तो आई यहाँ भी क्या होगा, 25.0 हो जाएगा, और यहाँ पे जे क्या हो जाएगा, आपका 25.0 हो जाएगा, और फीड हमने दे लिया 200 का, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला भी रेडियस आपका बनते हुए यहाँ पे आ जाएगा, यानी टूल आपका रेडियस बनाते हुए ये सारे, ये तो आपका मटेरियल पहले ही कट गया था और ये कट गया था, बचा ये, तो ये मटेरियल आपका काटते हुए यहाँ तक आपका टूल यहाँ पे पोजीशन ले लेगा। यहाँ पे पोजीशन लेने के बाद यानी कि सारा काम आपका अब फिनिश हो चुका है, और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, Z0Z5.0, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक देंगे, तो टूल ऑटोमेटिक ये ब्लॉक पर रीड करते ही 5 mm मुड़ जाएगा। उसके बाद हम Z91, Z91, Z28, Z0.0 देंगे, तो टूल आपका होम पोजीशन पे जेड एक्सिस चला जाएगा। उसके बाद हम स्पिंडल को ऑफ कर लेंगे M05 से, कूलेंट को ऑफ करके M09 से, और उसके बाद हम प्रोग्राम को रीसेट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें ये शेप बनाने थे, ये शेप ऑलरेडी बन के हमारे पास, इस टाइप का पार्ट हमारे पास बन के रेडी हो जाएगा। अब लास्ट में जो हमारा पार्ट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लास्ट में जो आपका पार्ट बन के रेडी होगा कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये वाला जो एरिया है, ये सारे एरिया, ये डाउन एरिया होंगे, ये आपके 3 mm ऊपर होगा, क्योंकि ये सारे मटेरियल हमने काट के निकाल दिया है मिलिंग प्रोग्राम के थ्रू, ये सारे मटेरियल काट के निकाल दिया है।
तो ये वाला शेप, ये वाला शेप, ये वाला शेप और ये वाला शेप हमारा बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप आप बना सकते हैं। अगर कहीं भी आपको बनाना हो किसी टाइप का, अगर आपको मिलिंग प्रोग्राम करना हो तो आप इसका उपयोग करके, इस ऐसे पाथ का उपयोग करके आप मिलिंग प्रोग्राम बड़े आसानी से बना सकते हैं जिसका टाइप का भी आपको चाहिए। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।